का आगाज करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि शाहीनबाग को लेकर बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर दिल्ली में इख्तदार में आए तो एक घंटे में शाहीनबाग खाली करा देंगे। बड़ा बयान इस वक्त का बीजेपी एमपी की जानिब से आया। बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अगर बीजेपी दिल्ली में इख्तदार में आई तो एक घंटे के अंदर शाहीनबाग को खाली करा देंगे। ये बड़ा बयान बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने दिया है। शाहीनबाग में एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है पिछले करीब डेढ़ महीने से मुसलसल, और उसी पर प्रवेश वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि एक घंटे में खाली करा देंगे शाहीनबाग अगर इख्तदार में आए। वहीं कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का इस मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। और दिल्ली के शाहीनबाग में अब नए तरीके से सीए और एनआरसी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। शाहीनबाग से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्टकार्ड भेजे जा रहे हैं जिन पर सीएए को रद्द करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये पोस्टकार्ड पूरे मुल्क से मंगाए जा रहे हैं। अब तक 25,000 पोस्टकार्ड भेजे जा चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके हदफ है कि 50,000 से ज्यादा पोस्टकार्ड भेजे जाएं ताकि आने वाले दिनों में जब कोर्ट में समाअत हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कानून पर स्टे लगाएं। हम लोग ने 60,000 अब तक लेटर लिख चुके हैं जिसमें से 25,000 सीजीआई को जा चुका है, और भी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक दो दिन के अंदर सारे लेटर्स को पोस्ट करना है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट पे बिल्कुल नहीं भरोसा है। हमें भरोसा है सीजीआई पे। हम अपनी आवाज़ को लेटर के थ्रू भेज रहे हैं कि हमारी बातें सुने, हमारी बातों को रखें, हमारी बातों को समझें। तो पोस्टकार्ड के जरिए अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं सीएए की मुखालफत करने वाले तमाम लोग, और लोगों का कहना है कि उनका हदफ 50,000 पोस्टकार्ड पहुंचाने का है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक। 25,000 के करीब पोस्टकार्ड अब तक पहुंचाए जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि वो इसलिए इतनी तादाद में पोस्टकार्ड चीफ जस्टिस तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इस मामले की समाअत करें तो इस कानून पर स्टे लगाएं। इस बीच आपको बता दें कि सीएए की मुखालफत पर फिल्म अदाकारा पूजा भट्ट ने कहा है कि खामोशी हमें नहीं बचाएगी और ना ही सरकार को। मुंबई के एक प्रोग्राम में पूजा भट्ट ने कहा कि वो किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि कोई ये बताए कि वो किसे प्यार करें और किसे नहीं, क्योंकि हमारी खामोशी हमें बचाएगी नहीं और सरकार की भी खामोशी उनको बचाएगी नहीं। सो आई थिंक मैं आपके सामने जब खड़ी हूँ मेरे खून में हिंदुस्तान की स्पिरिट है, और मैं किसी सरकार को किसी इंसान को ये परमिशन नहीं देती हूँ कि वो मुझे कहेंगे हु आई शुड लव एंड हु आई शुड नॉट लव, वेयर आई शुड बाउ माय हेड और व्हाई आई शुड नॉट। स्टूडेंट्स ने हमें एक मैसेज दे दिया, अभी अभी जाग जाओ, गेट अप एंड स्पीक अप, बिकॉज टू स्पीक विद साइलेंस व्हेन वी शुड प्रोटेस्ट इज व्हाट मेक्स कावर्ड्स आउट ऑफ मेन, एंड द टाइम हैज कम टू रेज आवर वॉइसेस। मुल्क की कई रियासतों में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा जारी है। मुंबई के पास नागपाड़ा में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद ने कवामी जलसे को खिताब किया और सीधे अमित शाह को चैलेंज दे डाला। वहीं मगरबी बंगाल मुल्क की चौथी ऐसी रियासत हो गई है जिसने सीएए के खिलाफ तजवीज पास की। मुंबई के पास नागपाड़ा में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में मुनक्किद एक अवामी जलसे को जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद ने खिताब किया। उमर खालिद ने वजीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा है कि शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं है, मुल्क के हर कोने में है। सरकार जितने शाहीन बाग उजाड़ेगी उससे ज्यादा शाहीन बाग हर गली मोहल्ले में खड़े हो जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर एक इलाके का नाम नहीं है, भारत के हर कोने में एक शाहीन बाग है। रोज एक शाहीन बाग खड़ा हो रहा है और तुम कितने शाहीन बाग उजाड़ोगे, हर गली मोहल्ले में एक शाहीन बाग खड़ा। हम ये लड़ाई जीत रहे हैं, हमारी ये लड़ाई जीत हमारी होगी। उधर मगरबी बंगाल असेंबली ने भी पीर को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तजवीज पास कर दी। मगरबी बंगाल ऐसा करने वाली मुल्क की चौथी रियासत है। असेंबली में पेश इस तजवीज में
मरकजी सरकार से शहरियत कानून रद्द करने, एनआरसी के अमल पर रोक लगाने और एनपीआर के मंसूबे को रद्द करने की अपील की गई है। अभी वो बोलते हैं वो ले आएगा, तो मैं तो दे दिया, पहले ही से दे दिया। देखते हैं क्या ले चाहते हैं, लेना चाहते हैं। क्या वजह रही है? ओ, जो स्पिरिट तो ठीक रहेगा तो मैं बोलेगा ओके ठीक है, और स्पिरिट चेंज करने का मौका है उनका तो मैं अमेंडमेंट देगा। इस दौरान वजीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में कहा कि मुजाहरे सिर्फ अकलियतों के नहीं बल्कि सभी के हैं। मगरबी बंगाल में हम CAA, NRC और NPR को लागू नहीं होने देंगे और पुर अम लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान असेंबली CAA के खिलाफ तजवीज पास कर चुकी हैं। साबिक वजीर खजाना और BJP के दिग्गज लीडर रहे यशवंत सिन्हा भी शहरियत कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पीर को यशवंत सिन्हा ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मुल्क में बेचैनी बनी हुई है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि शहरियत कानून की मुल्क को कोई जरूरत नहीं थी। मैं कानून के बारे में सिर्फ 3 बातें कहना चाहता था। नंबर 1, मैं मानता हूं कि ये देश के संविधान के ही खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, ये जो कानून बना है इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि पहले के कानून में ही सरकार को अधिकार था कि वो जिसको चाहे नागरिकता दे। तीसरा जो बिंदु मेरा है कानून के बारे में वो ये है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है लॉ में, उस भाषा को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि इसको मत इम्प्लीमेंट होने दो और केवल भटका के रखो लोगों को। पीर को ही कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून के मुखालफत में मुजाहिरों को खत्म करने को लेकर UP की योगी सरकार के खिलाफ कौमी इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने CAA के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों पर जुल्म का भी इल्जाम लगाया। मानव अधिकार आयोग, मैं मानता हूँ उसने बड़ी गंभीरता से जो भी हमने तथ्य इनके सामने रखे हैं, जो भी सबूत हमने सामने रखे हैं, उन सबको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और हमको आश्वासन दिया है कि इसको एक एक की वो जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई संभव है वो कार्रवाई वो करेंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में शहरियत कानून के खिलाफ कई मुजाहरे हुए। इन मुजाहरों के दौरान कई शहरों में आगजनी और पुरतशद्दुद वाकये सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में 23 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलेटिन में ऐसी रुख करेंगे गुजरात का, जहां नेशनल पोटैटो कॉन्क्लेव को खिताब कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आया गया है साथियों, किसान और उपभोक्ता के बीच के लेयर्स और उपज की बर्बादी को कम करना, ये भी हमारे लिए प्राथमिकता है और ये प्राथमिकता हम सबकी होनी चाहिए। सभी राज्य सरकारों ने भी इस पर बल देना होगा और इसके लिए परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को ऋण की, टेक्नोलॉजी की और मार्केट तक एक्सेस आसान हो इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस उसको प्रमोट किया जा रहा है। और जिन जिन किसानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं वे बहुत सफल भी हुए हैं। अब इसका जाल पूरे देश के हर कोने में फैला रहा है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले 5 वर्षों में 10,000 नए FPOs तैयार किए जाएं। यही नहीं, इनाम के रूप में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। साथियों, सरकार का जोर कृषि टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को प्रमोट करने पर भी है, ताकि स्मार्ट और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी किसानों के डेटाबेस और एग्रीस्टैक का उपयोग किया जा सके। इससे
किसानों को पानी, खाद और कीटनाशकों के उचित उपयोग में मदद मिलेगी। इससे लागत की भी कम होगी और ग्लोबल मार्केट में भारतीय किसानों की ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, सरकार के ये प्रयास सफल तभी होंगे जब आप जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इन पेरिशेबल वेजिटेबल्स को और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए एफोर्डेबल सॉल्यूशंस तैयार करें। आने वाले दशकों की चुनौतियों को देखते हुए प्रोडक्टिविटी, एफोर्डेबिलिटी और किसानों को उचित दाम मिले, ऐसे समाधान तैयार करना, ये हम सबको मिलकर के इस दिशा में जाना होगा। इसके लिए हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पानी कम इस्तेमाल करें, जो अधिक पोषक भी हो और उनकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी वह भी ज्यादा हो। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि बीज की कीमत भी कम हो और उससे जुड़ी इनपुट कॉस्ट भी जितनी कम हो सके उस दिशा में हम आगे बढ़ें। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसी हर नई टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, इसको लेकर भी आपके सुझाव और समाधान किसानों के लिए और आगे की खेती के युग के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। साथियों, आलू की उपयोगिता को देखते हुए पोटैटो सब सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और रिसर्च एजेंडा का समय आ गया है। इस पॉलिसी और एजेंडा के मूल में हंगर और पॉवर्टी, इससे लड़ाई और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप सभी साथी ये सफलता पाने में, ये सिद्धि पाने में पूरी तरह सक्षम है। ये आप सभी के प्रयासों से ही संभव हुआ है कि 19वीं सदी में आलू की बीमारी के कारण, हम सबको याद है, आलू की बीमारी के कारण यूरोप और अमेरिका में जो स्थिति बनी, वैज्ञानिकों का प्रयास, जागरूकता का परिणाम ये हुआ कि वो संकट दोबारा नहीं आया। 21वीं सेंचुरी में भी कोई भूखा और कुपोषित, मैल नरिश ना रहे, इसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। चाहे किसान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रगतिशील व्यापारी जो फूड प्रोसेसिंग में काम करता हो, हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में आप इसी दिशा में गंभीर मंथन करेंगे। एक बार फिर भारत में, गुजरात में पधारने के लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि विभाग को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर इस समिट को ले गए। इतना ही नहीं, देश और दुनिया के लोगों को आप खेतों में ले जाने वाले हैं, किसानों से रूबरू कराने वाले हो, ये अपने आप में धरती से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में कितना सफल होगा, इसका मैं पूरा पूरा अंदाज लगा सकता हूं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। मरकजी वजीर और बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में इंतखाबी तशहीर के दौरान एक मुतनाजा नारा लगवाया। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के मुतनाजा नारों पर बीजेपी को घेरा है। इंतखाबी कमीशन ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की।
मुतनाज़े नारे लगवाकर बीजेपी लीडर और मोदी कैबिनेट में वजीर अनुराग ठाकुर निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली में एक इंतखाबी जलसे के दौरान अनुराग ठाकुर ने नारे लगवाए देश के गद्दारों को, जिसका जवाब जनता दे रही थी गोली मारो। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस लीडर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक बयान में कहा, मईशत का बुरा हाल है, बेरोजगारी उरूज पर है, मोदी सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और ऐसे में पोलराइजेशन के अपने पसंदीदा खेल का सहारा ले रही है। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान पर सफाई भी दी। मुझे लगता है कि आप पहले पूरा वीडियो देखें और दिल्ली की जनता का मूड क्या है उसको देखें। इंतखाबी कमीशन ने अनुराग ठाकुर के बयान पर नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर के मुताबिक, हमने इस वाक्य पर नोटिस लेते हुए जिला इलेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी है। वैरीठाला में ही एक दूसरे अवामी जलसे में वजीर दाखिला अमित शाह की रैली में कुछ कारकुनान ने ऐसे नारे लगाने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। हमारा संस्कार नहीं है जूते मारने का, कमल के निशान पर बटन दबा दो, सबका काम तमाम हो जाएगा। मित्रों, ये लोकतंत्र है, मारने की भाषा हमारी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि निर्भया केस के कसूरवारों को फांसी देने की तैयारियां जारी हैं, लेकिन रहम की अर्जी को लेकर अभी पेच फंस सकते हैं। फिलहाल फांसी की तारीख 1 फरवरी तय है, लेकिन कुछ हालात में ये टल भी सकती है। तिहाड़ जेल इंतजामिया की नजर मंगल को सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है, जिसमें मुकेश ने सदर जमहूरिया की जानिब से खारिज की गई अपनी रहम अर्जी को चैलेंज दिया है। अब अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 1 फरवरी या इससे आगे के लिए समाप्त के लिए टाल दिया तो भी फांसी रुक जाएगी। तिहाड़ जेल में बंद निर्भया गैंगरेप के चारों कसूरवारों को फांसी देने में अभी कई तरह के पेच आ सकते हैं, और इन सब के बीच कसूरवारों के वकील एपी सिंह ने तो पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, महिम राष्ट्रपति महोदय ने कितनी जल्दबाजी में तथ्यों को दरकिनार करते हुए, सबूतों को दरकिनार करते हुए, सारे ग्राउंड को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में गवर्नर के यहाँ पहुँचता, जल्दबाजी में गृह मंत्री, ये मर्सी पिटीशन के इंग्रेडिएंट्स नहीं है। दरअसल चारों में से मुकेश को छोड़कर दीगर तीन ने अगर फांसी देने की तारीख 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक सदर जमहूरिया के नाम रहम अर्जी दे दी तो इनकी फांसी रुक सकती है। हालांकि अगर इन्होंने 31 जनवरी की दोपहर 12 बजे के वक्त को क्रॉस कर दिया तो फिर इनकी रहम अर्जी का भी कोई फायदा नहीं होगा, और अगले दिन 1 फरवरी की सुबह 6 बजे इन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिसकी उम्मीद निर्भया की वालिदा को है। इंतजार करूंगी, अब मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से उनकी ये खारिज होगी और एक डिले करने की कोशिश एक और नाकाम होगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी है तो कोर्ट सब देखता है, सब जानता है। सुप्रीम कोर्ट में मंगल को समाप्त वाले मामले की तमाम स्टेटस रिपोर्ट पीर को तिहाड़ जेल इंतजामिया की जानिब से निचली अदालत को सौंप दी गई, ताकि अगर निचली अदालत को फांसी पर होल्ड करना हो या फिर नई तारीख के लिए ब्लैक वारंट जारी करना हो तो वो तिहाड़ इंतजामिया को नया हुक्म दे सके। हालांकि निर्भया के हक में खड़ी वकील सीमा कुशवाहा का मानना है कि प्ली रिजेक्ट हो जाएगी। जो भी गवाह, उन सबकी स्टेटमेंट रिलेवेंट है, तो अभिनंदन ने जो कोर्ट के अंदर गवाही दी है वो रिलेवेंट है। मीडिया में उसने क्या बोला, रिलेवेंसी ही नहीं है उसके तो। और जो जिस सेक्शन में वो सीआरपीसी में गया है वो सेक्शन में भी इनको राइट नहीं था, इनके पास लोकस नहीं था, तो ये हम पूरी उम्मीद करती है कि इनकी मर्सी, ये सॉरी, इनकी जो प्ली है ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसको निर्भया केस के गुनहगारों को फांसी देने की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन रहम अर्जी को लेकर अभी पेच फंस सकती हैं। फिलहाल फांसी की तारीख 1 फरवरी तय है, लेकिन कुछ हालात में ये टल भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।